एवरीवन, मैं डॉक्टर अक्षता आनंद स्किन फ्लुएंस क्लिनिक गाज़ियाबाद से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो हमारे सबकी स्किन में हमेशा नेचुरली पाया जाता है, लेकिन एजिंग के साथ उसका कंसंट्रेशन कम होने लगता है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ हाइलुरोनिक एसिड के बारे में। हाइलुरोनिक एसिड एक बहुत ही पॉपुलर स्किन केयर इंग्रेडिएंट है और आजकल वो काफ़ी फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है, जैसे कि सीरम, जेल, मॉइस्चराइज़र एंड इवन वो हर एक सनस्क्रीन और रेटिनॉल क्रीम्स का भी पार्ट है। हाइलुरोनिक एसिड जब हमारी बॉडी में कम होने लगता है तो साइंस ऑफ एजिंग काफ़ी विजिबल होते हैं, जैसे कि फाइन लाइन्स आना, रिंकल्स आना, झुरियाँ आना, सैगिंग दिखना चेहरे पे, डल स्किन और एक ड्राई फ्लेकी स्किन। ये सब इसी का पार्ट है जब हमारे स्किन में मॉइस्चर लेवल कम होता है। तो हाइलुरोनिक एसिड हमें इन सब से टैकल करने का एक रास्ता दिखाता है। हाइलुरोनिक एसिड मार्केट में 3 केमिकल फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कि हाइड्रोलाइज्ड हाइलुरोनिक एसिड, सोडियम एसिटाइलेटेड हाइलुरोनेट एंड सोडियम हाइलुरोनेट, जिसमें से सोडियम हाइलुरोनेट सबसे स्टेबल है, जो एक मॉलिक्यूल अपने अंदर 1000 टाइम्स मोर वाटर रिटेन कर सकता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले जैसे हमने बात करी, ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड एक ह्यूमेक्टेंट है। ह्यूमेक्टेंट अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से मॉइस्चर लेकर हमारी स्किन को देता है, इस तरीके से ये काम करता है। इसीलिए इसे हमेशा डैम्प स्किन पे लगाना चाहिए, ड्राई पे नहीं, और इसके ऊपर हमें मॉइस्चराइज़र लगाकर उस हाइड्रेशन को सील करना चाहिए। दूसरा, ये एक फास्ट वूंड हीलिंग में भी हेल्प करता है क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात करी, ये कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स को रिपेयर प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ ये हमें मदद देता है हमारी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने में, जिससे एक फर्मनेस और स्किन का रेजिलियंस इम्प्रूव होता है। हाइलुरोनिक एसिड मार्केट में सीरम्स, टोनर्स, जेल फॉर्म और क्रीम फॉर्मुलेशंस में आता है इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1-2% ओनली। ये ज़्यादातर 4% से ऊपर इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, स्किन इरिटेशन भी कॉज कर सकता है। और इसको हम सुबह शाम के स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर हमें सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र हमेशा लगाना चाहिए क्योंकि ये उसको सील इन कर देता है। हाइलुरोनिक एसिड स्किन के अलावा और बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कंडीशन में भी यूज़ होता है, जैसे कि ड्राई आइज़ में इसके ड्रॉप्स आते हैं जो ड्राई आइज़ में हेल्प करते हैं। विजाइनल ड्राइनेस के लिए भी हाइलुरोनिक एसिड को यूज़ किया जाता है। एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट्स में भी इसका यूजेज देखा गया है, और इवन जब जॉइंट का जब ल्यूब्रिकेशन ख़त्म हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो जॉइंट पेन में भी ये मदद करता है। इसके अलावा इंजेक्टेबल हाइलुरोनिक एसिड्स भी आते हैं, जिसको अब मार्केट में स्किन बूस्टर्स के नाम से जाना जाता है। स्किन बूस्टर्स जैसे आपने सुना होगा प्रोफाइलो, जुविडम बुलाइट या रीस्टाइलिन विटाल, ये सब एक इंजेक्टेबल हाइलुरोनिक एसिड है जो स्किन के ऊपर के लेयर्स में इंजेक्ट किया जाता है, और ये हमें एक रिफ्रेश्ड रिजुविनेटेड लुक देता है और उसे हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो सॉफ्ट टिश्यू फिलर्स होते हैं जो हमें इंजेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि लिप ऑगमेंटेशन में या फिर डीप रिंकल्स के नीचे या फिर सैगिंग ऑफ चीक्स को कम करने के लिए, उन सब का भी की इंग्रेडिएंट हाइलुरोनिक एसिड ही रहता है। हाइलुरोनिक एसिड सभी स्किन टाइप्स के लिए बिल्कुल सेफ है और सबको ही सूट करता है। ड्राई स्किन में भी इसका फ़ायदा देखा गया, इवन ऑयली स्किन में, क्योंकि नॉन कोमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट है। इसीलिए ये सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन एंड इवन ड्राई स्किन सभी में यूज़ किया जा सकता है। इसे हमेशा पर डैम्प स्किन पर ही लगाना चाहिए क्योंकि ये उसी का वाटर रिटेन करके हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, और मॉइस्चराइजर से इसको सील करना चाहिए। थैंक यू। Thank you.